हेलो आईपी स्टूडेंट्स, ये डीबीएमएस का सेकंड पार्ट है आपके लिए। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था डेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, डेफिनेशंस, इनका यूज़, इनके एंड यूज़र्स, एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामर्स, उनका वर्क, ये सभी स्टडी किया था, बेसिक टर्मोलॉजी का स्टडी किया था। अब एक स्टेप आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो यूज़ होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग, वो है डेटाबेस स्कीमा। स्कीमा से पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि डेटाबेस स्कीमा से क्या है, तो वन वर्ड की अगर डेफिनेशन हम बोलें या टू वर्ड्स की डेफिनेशन बोलें तो ये होगा कि ओवरऑल डेटाबेस डिज़ाइन इज कॉल्ड द स्कीमा। ओवरऑल डेटाबेस डिज़ाइन, थ्री वर्ड्स हो गए। तो ओवरऑल डेटाबेस डिज़ाइन ये आपका स्कीमा कहलाता है। और सेकेंड वर्ड आता है इसके अंदर इंस्टेंसेस, डीबीएमएस इंस्टेंसेस। डीबीएमएस इंस्टेंसेस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या वैल्यू है डेटाबेस के अंदर, वो इसका इंस्टेंस कहलाएगा। तो इसके टाइप्स हैं स्कीमा के, इंस्टेंसेस को भी हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वन बाय वन हम इसे देखते हैं। स्कीमा की जो डेफिनेशन दे रखी है, डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड द स्कीमा। डेटाबेस का डिज़ाइन आपका स्कीमा कहलाता है। जैसे मैंने बताया ओवरऑल डेटाबेस डिज़ाइन को ही स्कीमा बोलते हैं। अब स्कीमा बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, उनके थ्री टाइप्स के डिफरेंट यूजेस होते हैं जिसको हम आगे स्टडी करेंगे आज के टॉपिक में, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा एंड व्यू स्कीमा। और जहाँ तक इंस्टेंसेस की बात है, डीबीएमएस इंस्टेंसेस की बात है, तो डीबीएमएस इंस्टेंस में आपका पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या वैल्यू है डेटाबेस में, वो डेटाबेस इंस्टेंस कहलाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, तो द डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, ये वर्ड याद रखना है यहाँ पे, डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द डेटाबेस इंस्टेंस। इसका थ्री लेयर आर्किटेक्चर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है अक्सर, ये थ्री लेयर आर्किटेक्चर बताइए। जब कभी भी थ्री लेयर ऑफ आर्किटेक्चर की बात चले तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो बेसिकली थ्री टाइप्स जो स्कीमा के हैं उनके बीच में कोरिलेशन जानना चाह रहा है कि फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा और व्यू स्कीमा आपस में किस तरीके से इंटर रिलेट करती है। तो ये हमें बताना होगा उस वहाँ पर कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। ये डायग्राम है यहाँ पर, आपने देखा होगा इसका जो डायग्राम है बेसिकली, पहले दे रखा है एक्सटर्नल स्कीमा, सेकंड वन इज़ कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, थर्ड वन इज़ इंटरनल स्कीमा। तो ये इसका डायग्राम है। इंटरनल स्कीमा को एक्चुअली फिजिकल स्कीमा भी बोलते हैं और कॉन्सेप्चुअल को लॉजिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर वन बाई वन हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्कीमा और इंटरनल लेवल स्कीमा, जिसे हम फिजिकल स्कीमा भी बोलते हैं। इसका काम यह है कि ये बताता है कि डेटा कैसे स्टोर्ड होगा, हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड इन अ ब्लॉक्स। तो डेटाबेस किस तरीके से स्टोर्ड होगा मेमोरी के अंदर, ये इंटरनल लेवल स्कीमा का काम है, जिसे हम फिजिकल स्कीमा भी बोलते हैं। और डायग्राम देखते हैं, सबसे बॉटम पर यह इंटरनल लेवल स्कीमा है और देखिए ये डेटाबेस से डायरेक्ट कनेक्टेड है और कोई स्कीमा से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो इसका बेसिकली वर्क यही है कि ये बताएगा कि हमें डेटाबेस के अंदर डेटा हमें किस तरीके से स्टोर करना है। सेकंड वन इज कॉन्सेप्चुअल लेवल स्कीमा, जिसे हम लॉजिकल स्कीमा ही बोलते हैं। तो लॉजिकल स्कीमा का काम है व्हाट डेटा टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस, डेटा के बेस के अंदर क्या डेटा स्टोर होगा और जो डेटा स्टोर होगा उस डेटा के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये डिफाइन करता है आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल स्कीमा, जिसे हम लॉजिकल स्कीमा भी बोलते हैं। और थर्ड वन इज एक्सटर्नल लेवल स्कीमा, जिसे हम सब स्कीमा या व्यू स्कीमा भी बोलते हैं। ये बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है कि एंड यूज़र किस तरीके से डेटाबेस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो हाउ, व्हाट और थर्ड वन इज व्यू स्कीमा, व्हाट द एंड यूज़र कैन गेट आफ्टर इंटरेक्शन विद द डेटाबेस। तो ये हमें ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फिजिकल और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा ही है। तो इंटरनल लेवल में डेटाबेस में डेटा स्टोर कैसे हो रहा है ये डिसाइड करता है इंटरनल लेवल स्कीमा, जिसे हम फिजिकल स्कीमा बोलते हैं। डेटा क्या स्टोर हो रहा है और उस डेटा में क्या रिलेशन है, डेटा आपस में इंटर रिलेटेड कैसे है, ये कहलाता है कॉन्सेप्चुअल लेवल। और एक्सटर्नल लेवल में जो यूज़र है वो उस तरह इंटरेक्ट किस तरीके से कर पा रहा है, तो ये डिसाइड करता है आपका एक्सटर्नल लेवल या सब स्कीमा या व्यू स्कीमा। एक बार डायग्राम देखते हैं फिर से। अब आप यहाँ पर डायग्राम देख लें, यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि एक्सटर्नल स्कीमा में बेसिकली
टू एक्सटर्नल लेवल इंडिकेटेड है, ये इसलिए क्योंकि एक से ज़्यादा यूज़र डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एटलीस्ट टू एक्सटर्नल लेवल इंडिकेट कर रखे हैं, ये बताने के लिए या दिखाने के लिए कि मोर देन वन यूज़र एग्जिस्ट करते हैं और वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं एट द सेम टाइम। सेकेंड वन इज़ कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है, थर्ड वन इज़ इंटरनल स्कीमा है जो डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो डेटाबेस से डेटा किस तरीके से स्टोर होगा, ये इंटरनल स्कीमा, डेटाबेस में डेटा क्या स्टोर होगा और उस डेटाबेस का आपस में क्या इंटर रिलेशन होगा, ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा या लॉजिकल स्कीमा। और एक्सटर्नल स्कीमा जिसे व्यू स्कीमा या सब स्कीमा ही बोलते हैं, वो ये डिसाइड करेगा या ये डिसाइड करता है कि जो एंड यूज़र है वो आपका डेटाबेस को किस तरीके से एक्सेस कर पा रहा है। तो ये थ्री लेवल आर्किटेक्चर भी बोला जाता है इसको, जिसमें ये थ्री स्कीमा आपस में किस तरीके से इंटर रिलेट करती हैं और किस तरीके से काम करती हैं। आपको व्हाट और हाउ याद रखना है इसके अंदर, तो ये कैसे, क्योंकि जो इंटरनल लेवल है, जो लोअर लेवल स्कीमा होती है जिसे हम फिजिकल स्कीमा ही बोलते हैं, उसका काम है कि डेटा क्या स्टोर होगा कैसे, और फिर कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिसाइड करता है कि डेटा के बीच में क्या रिलेशन होगा। और हाउ डिसाइड करेगा आपका इंटरनल स्कीमा, व्हाट डिसाइड करेगा आपका कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, तो ये याद रखना है आपको हाउ एंड व्हाट। और एक्सटर्नल लेवल की जहाँ तक बात है तो सिंपल है, आई थिंक उसमें कुछ ज़्यादा सोचने का है नहीं। एक्सटर्नल लेवल स्कीमा बेसिकली यूज़र्स को व्यूज प्रोवाइड कराता है इससे रिलेटेड। तो एक बार फिर से देखते हैं, लॉजिकल लेवल व्हाट डेटा हैज़ टू बी स्टोर्ड एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द डेटा, तो ये डिसाइड करेगा आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल स्कीमा जिसे हम लॉजिकल स्कीमा ही बोलेंगे। और एक्सटर्नल स्कीमा की जहाँ तक बात करें तो जिसे हम व्यू स्कीमा ही बोलते हैं, तो एंड यूज़र इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है। और जो फिजिकल लेवल स्कीमा है वो आपका ये डिसाइड कराता है कि डेटा के बीच में डेटा एक्चुअली किस तरीके से स्टोर किया गया है हार्ड डिस्क के अंदर। तो ये थ्री लेवल आर्किटेक्चर हो गया, इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में हाउ, कॉन्सेप्चुअल व्हाट एंड व्हाट रिलेशनशिप अमंग डेटा, एक्सटर्नल के अंदर हमें ये याद रखना है कि डेटाबेस किस तरीके से एंड यूज़र एक्सेस कर पा रहा है। आगे देखते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। अब ये दोनों इंटर रिलेटेड टर्म हैं, आपको अगर आपको थ्री लेवल आर्किटेक्चर मालूम है तो आप डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में भी एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, क्योंकि जो डायग्राम है वही डायग्राम डिसाइड करता है कि डेटा इंडिपेंडेंस। अच्छा, इंडिपेंडेंस से क्या मतलब है, डेटा इंडिपेंडेंस से क्या मतलब है, डेटा इंडिपेंडेंस से मतलब ये है कि अगर हम एक लेवल पर अगर हम चेंज करते हैं, एक स्कीमा लेवल पर हम चेंज करते हैं, तो वो दूसरे लेवल पर जो स्कीमा है उसको उस पर कोई इफेक्ट ना डालें, वो अनचेंज रहे। जैसे हमने फिजिकल लेवल पर अगर हम डेटा को स्टोर करने के मेथड को अगर हम चेंज कर देते हैं तो डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप है और जो डेटा स्टोर किया है उस पर कोई इफेक्ट ना हो, तो हम कहेंगे कि ये डेटा इंडिपेंडेंट है आपस में एक दूसरे से, जिसे डेटा इंडिपेंडेंस बोलेंगे। अब कौन सी डेटा इंडिपेंडेंस होगा इसे हम आगे भी पढ़ेंगे। तो डेटा इंडिपेंडेंस में आपका फर्स्ट, पहले तो डेफिनेशन, डेटा इंडिपेंडेंस बेसिकली रिफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक और बीइंग एबल टू मॉडिफाई द स्कीमा एट लो एट वन लेवल ऑफ द डेटाबेस सिस्टम विदाउट अफेक्टिंग द स्कीमा एट द नेक्स्ट हायर लेवल। तो एक लेवल की स्कीमा पर चेंज करने से उसकी हायर लेवल स्कीमा पर अगर कोई फर्क नहीं हो रहा है तो हम उसे डेटा इंडिपेंडेंस बोलेंगे। यानी अगर हम फिजिकल लेवल पर चेंज करें तो लॉजिकल पर चेंज ना हो, तो वो एक डेटा इंडिपेंडेंस का टाइप होगा। अब टाइप से ही बात आगे करते हैं, तो पहले लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की ही बात करते हैं। जैसे कहा गया है कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रिफर टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग एबल टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा विदाउट हैविंग टू चेंज द एक्सटर्नल स्कीमा। तो एक्सटर्नल स्कीमा, अगर हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पर अगर कोई चेंज करें तो वो आपका इफेक्ट ना करे एक्सटर्नल लेवल पर, यानी व्यू लेवल पर कोई इफेक्ट ना हो, जो एंड यूज़र उसे यूज़ कर रहा है, अगर हम उसके डेटा के बीच में रिलेशनशिप को अगर चेंज करते हैं तो जो उसे व्यू कर पा रहा है, जो देख पा रहा है उस डेटाबेस को, उस पर कोई इफेक्ट ना हो, उसे पता ही ना चले कि डेटाबेस के अंदर हमने लॉजिकल लेवल पर कुछ चेंज किया है। अगर ऐसा होता है तो हम उसे कहेंगे लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। और ऐसे ही अगर हम फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की बात करें, अगर हम फिजिकल लेवल पर चेंज करते हैं और वो लॉजिकल लेवल पर कोई इफेक्ट, अगर कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है। इसमें एक बात हमें याद रखनी है कि जो डेटा इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट हो वो लोअर टू हायर जाएगा आपका,
यानी अगर हम फिज़िकल पर चेंज करें तो लॉजिकल पर कोई इफेक्ट ना हो, लॉजिकल पर चेंज करें तो एक्सटर्नल पर कोई इफेक्ट ना हो। बेसिकली टाइप टू होंगे इसके, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो एक बार डायग्राम देख लेते तो उससे और क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम है, देखिए यहाँ डायग्राम में अगर हम इस इंटरनल लेवल पर कोई इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि डेटा बेस के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, स्कीमा के अंदर चेंजेस करते हैं, तो कॉन्सेप्ट लेवल पर जो डेटा है वो अनअफेक्ट रहे, कोई इफेक्ट ना हो उसके ऊपर, तो हम उसे कहेंगे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। और अगर हम कॉन्सेप्ट लेवल पर कोई चेंज करें तो एक्सटर्नल लेवल पर कोई इफेक्ट ना हो तो उसे हम कहेंगे कॉन्सेप्ट लेवल, कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो जब इसलिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया अभी मैंने कि इसमें जो थ्री लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर है, ये बेसिकली इसमें इंटरनल लेवल जिसे हम फिजिकल लेवल भी बोलते हैं, ये डिसाइड करता है कि डेटा को कैसे स्टोर करना है, और कॉन्सेप्चुअल लेवल स्कीमा ये डिसाइड करता है कि क्या डेटा स्टोर करना है, उस डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तो व्हाट डेटा स्टोर एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप अमंग द डेटा इज डिसाइडेड बाई कॉन्सेप्चुअल लेवल। अब जहाँ तक डेटा इंडिपेंडेंस की बात है तो लोअर टू हायर ऑर्डर को अगर हम फॉलो करें तो फर्स्ट वन आएगा आपका इंटरनल, देन कॉन्सेप्चुअल एंड लास्ट वन इज़ एक्सटर्नल स्कीमा। तो इंटरनल स्कीमा इट मीन्स फिजिकल लेवल पर चेंज करने पर कॉन्सेप्चुअल लेवल पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है। और कॉन्सेप्चुअल लेवल पर चेंज करने पर, कॉन्सेप्चुअल लेवल का चेंज करने का मतलब ये है कि हम डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका, उसको बदलने पर जो एक्चुअल में यूज़र देख पा रहा है उसके आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हम इसे कहेंगे लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। दीज आर द बेसिक डेटा इंडिपेंडेंस। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है। तो याद आपको सिर्फ ये रखना है, एक तो डायग्राम याद रखना है इसका, थ्री लेवल आर्किटेक्चर याद रखना है आपका, और उसको भी याद करने के बारे में अभी जैसे मैंने बताया कि फिजिकल लेवल जो स्कीमा है वहाँ ये डिसाइड होता है कि डेटा किस तरीके से स्टोर होगा, हाउ डेटा इज स्टोर्ड। एंड लॉजिकल डेटा, लॉजिकल लेवल पर व्हाट डेटा इज स्टोर्ड एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप अमंग द डेटा, ये डिसाइड होगा। अब इसी से इंडिपेंडेंस है। अगर हम जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने फिर बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और ये माइंड में बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से हो जाए, सेट हो जाए कि एक्चुअली डेटा इंडिपेंडेंस होता क्या है, और ये टर्मोलॉजी स्ट्रक्चर से ही निकल के आई है। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस ये है कि अगर हम लॉजिकल लेवल या कॉन्सेप्चुअल लेवल पर डेटा को चेंज करते हैं तो उसका चेंज एंड यूज़र लेवल पर कोई भी ना हो, कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट ना हो, तो वो आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहलाएगा। और फिजिकल लेवल पर चेंज करते हैं लॉजिकल पर ना हो तो वो आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहलाएगा। ये डायग्राम था आपका, आज के लिए बस इतना, और नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।